नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। कई बड़े कांग्रेस और दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता चतुर्वेदी समेत दर्जन भर पदाधिकारी और सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ दी पार्टी। रामकिशोर चतुर्वेदी ने बताया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह इसका विरोध किया था, उसी दौरान उनके मन में पार्टी छोड़ने का विचार आ गया था। सनातन धर्म का विरोध करने वालों के साथ कैसे रहा जा सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम लगातार जारी है। दोनों पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी से त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब प्रदेश के उमरिया जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहाँ कांग्रेस के 3 बार मानपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष रह चुके रामकिशोर चतुर्वेदी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विनोद गोटिया की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व जनपद अध्यक्ष में दर्जन भर सरपंचों और जनपद के सदस्यों व सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं विनोद गोटिया ने यह दावा किया है कि इस बार भाजपा प्रदेश की छिंदवाड़ा समेत 29 सीटें जीतेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार भाजपा ज्वाइन करने पर विनोद गोटिया ने कहा कि साल 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपनी करतूतों के कारण कार्यकर्ताओं की नजर में गिरती जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही इस पर आपकी क्या राय, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।